उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा श्रीनगर पहुंचे। बता दें मंत्री वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। साथ ही श्रीनगर पहुंचकर मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आपदा की घड़ी में भी कांग्रेस केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में यात्रा निकालकर अपना जनाधार बढ़ाने के अवसर तलाशती रही। आगे कहा कि आपदा की इस घड़ी में आपदा प्रभावितों को मदद की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस को इससे कोई लेना देना नहीं है। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड की दो विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले बहुत कम वोटों से हारी है। पौड़ी से मुकेश बच्छेती की रिपोर्ट। जब हम आपदा के समय में केदारनाथ के घाटी के लोग आपदा झेल रहे थे, आपदा से ग्रस्त थे, वहाँ पे लोगों की जान पर बनी हुई थी, तभी भी कांग्रेस पॉलिटिक्स से नहीं बची। उन्होंने आपदा को नजरअंदाज करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहे, जबकि काफी बार निवेदन भी किया गया कि यात्रा को रोक देना चाहिए और इस वक्त सरकार की मदद करनी चाहिए, हर व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए। केदार घाटी और केदारनाथ विधानसभा बाबा केदार आने वाले चुनाव में मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मोदी जी पर विश्वास प्रकट करेंगे, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे। देखिए दो चुनाव जो आप कह रहे हैं वो भाजपा 22 में भी नहीं जीती थी, चाहे वो बद्रीनाथ की सीट हो चाहे वो मैंगलोर की सीट हो, तो दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी 22 में भी हारी थी। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी हार गई वो गलत होगा, कांग्रेस पहले भी जीती थी, उसको एक बीएसपी के पास थी। हाँ, लेकिन जरूर है कि हम चुनाव हारे हैं तो हम उसका विश्लेषण करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ कि चुनाव हारे हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारा प्रदेश का नेतृत्व उसकी समीक्षा कर रहा है। मैंगलोर चुनाव तो हम उसको जीत के तहत ही मानेंगे, क्योंकि जो सीट हम 15-15, 16-17 हजार वोट से हारते थे वो हम 400 वोट पे लाए हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कुनबा वहाँ पे बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बड़ा है। देखिए जिस तरीके की वहाँ पे आपदा आई थी, आप सबको मालूम है कि बहुत बुरी स्थिति हुई, 29 जगह पर मार्ग अवरुद्ध हुए, लैंडस्लाइड्स हुई, बाढ़ की एक वहाँ पर बहुत पानी आया, और पहली प्राथमिकता सरकार की लोगों को सकुशल निकालना था, लोगों को वहाँ पे किसी की जान ना जाए वो हमारी प्राथमिकता थी।